वालेकुम। आज हम आपके लिए ढाबा स्टाइल चिकन की रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है चिकन इक्का। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम परफेक्ट ढाबा स्टाइल ही बनाने जा रहे हैं, तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। के जी चिकन लिए हैं, इसमें अभी हमें ये 1 टीस्पून हम नमक डाल देते हैं, 2 टीस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ऐसे हमने दरदरी हरी मिर्ची पीसी है, ये हमने 7 से 8 लिए हैं। यहाँ हमने पेस्ट लिए है हरा धनिया का, अभी हम ये 1 कप ब्रेड क्रम लिए हैं, ये भी डाल देंगे। 2 टेबलस्पून हमने मैदा लिए हैं, 2 टेबलस्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लावर पाउडर लिए हैं, और ये हमने 2 अंडे लिए हैं जो हमने फेंट लिए, और इसमें अब हम ग्रीन फूड कलर डाल देंगे। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1.5 आवर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज में। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अभी इसे हमें 1.5 आवर्स के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अब हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। अभी हमारे चिकन को मैरिनेट करके 1.5 आवर हो गया है, तो अब हमने कढ़ाई रख दिए हैं और देखिए हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम अपने चिकन फ्राई करते हैं। देखिए हमें अच्छे से दोनों साइड टर्न करके तलना है जब तक हमारी चिकन अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। अभी देखिए बस हमें इस पॉइंट पे हमारा चिकन निकाल देना है। अब हम सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। हमारा चिकन पूरा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें चिकन फ्राई किए थे, अब इसी में हम सॉस बना दे रहे हैं। हम इसमें 1 टेबलस्पून हमने इसमें तेल रखे हुए हैं, अब इसमें हम मस्टर्ड डाल देंगे। अभी देखिए हमारा मस्टर्ड अच्छे से मेल्ट हो गया है। यहाँ पे हमने 20 लहसुन की कलियों को चॉप कर लिए, अब ये इसमें डाल देंगे। और हमने 2 टेबलस्पून अदरक बारीक चॉप कर लिए, ये भी इसी में डाल देंगे। अभी इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है जब तक हमारा लहसुन और अदरक दोनों लाइट ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। और साथ में हम यहाँ 4 से 5 हरी मिर्ची जो है इसे हमने बारीक चॉप कर लिए हैं, ये भी डाल देंगे इसमें। और यहाँ पे हमने 12 काजू लिए हैं, इसे हमने बारीक चॉप कर लिए, ये भी इसमें डाल देंगे।
अभी इसमें हम सोया सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून, रेड सॉस डालेंगे हम 1 टेबल स्पून और ग्रीन सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून। अभी हम इसमें 1/2 टीस्पून शुगर डालेंगे। ¼ टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। हमने 1/2 कप मलाई लिए हैं, ये होममेड है, ये भी डालेंगे। अब इसमें हम ग्रीन कलर डालेंगे। अभी हम इसे भूनने देते हैं जब तक हमारा ऑयल सरफेस पे ना आ जाए, स्लो फ्लेम पे। सॉस के ऑयल सरफेस पे आ चुका है, अब इसमें हम जो हमने चिकन फ्राई किए थे वो डाल देंगे। देखिए अब हमारा चिकन इक्का तैयार हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद हम इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर देंगे। अगर आपको हमारी चिकन इक्का की रेसिपी ढाबा स्टाइल की पसंद आई हो तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन का बेल बटन ऑन रखिए कि हमारी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।